और सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं सस्ता ऑप्शन जो शिवांगी शारदा देंगी। शिवांगी बताइए। पिछले 7 दिनों से जो लोअर हाइज बन रहा था उसका नेगेशन होते हुए दिख रहा है। टाटा पावर की मैं बात कर रही हूँ। सारे पावर स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है, चाहे वो पावर ग्रिड हो या टाटा पावर। तो यहाँ पे टाटा पावर के ऑप्शंस में एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम्स अच्छी तरह से ऐड हो रहे हैं और ये शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो ऐड करते हुए दिखेगा मोमेंटम में। तो 420 के एक कॉल ऑप्शन में ख़रीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे, 10 रुपये के स्टॉप लॉस और 15 रुपये के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे शिवांगी जी का ट्रेड हो गया आज का सस्ता ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर टाटा पावर का। याद रखिएगा टाटा पावर एक पुल बैक बोर्ड में है, तो ये पुल बैक ट्रेड है, कॉल ली गई है। राजेश जी के पास चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, ऑटोमोबाइल स्पेस पे ही फोकस है और हमें लगता है अशोक लीलैंड को ही यहाँ पे वापस हम रिकमेंड करेंगे। अशोक की शुरुआत में भी रिकमेंड किया था, हमें लगता है ये स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे 210-212 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती, तो अशोक लीलैंड फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस होगा करीब 198 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अशोक लेलन पर एक ट्रेड। आशीष बहेती, चार्ट का चमत्कार जी। आरईसी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से आरईसी ने 510 का जो जोन है वहां पे जो बेस बनाया है पिछले 8 दिनों से वही जोन है जहां पे इसका लो प्लेस रहा है, तो खरीदारी की सलाह है आरईसी में। 509 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 530 और 540 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे आरईसी 522 पे आपका एक बाय कॉल आशीष पहती जी का। अब चलते हैं नरेंद्र जी के पास आज का मिड कैप फंडा समझने के लिए। नरेंद्र जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। आज का हमारा जो स्टॉक है वो है यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड, और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स और लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही शानदार रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाई 21% की, जिसमें कि अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 11% का था और जो प्राइसिंग रिलेटेड ग्रोथ था वो 4% का था, जो बहुत ही बेहतरीन है और इंडस्ट्री से काफी ज्यादा हायर है जहाँ पे इंडस्ट्री 6-7% ग्रो करती है। हालांकि थोड़ा सा मार्जिन कंसेंसस से कम आए बिकॉज ऑफ हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड बॉटलिंग कॉस्ट, लेकिन वो ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए हमको दिखाई देंगे। और मेजर बात यह है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट शेयर इंक्रीज जो कंपनी नहीं कर पा रही है वो थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन जो जिस हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ आई है तो एक डेफिनेटली मार्केट शेयर इंक्रीज कंपनी ने दिखाया, तो जो कि एक काफी बड़ा मेजर कंसर्न जो कि घटता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हमारा इसमें टारगेट है 2300 रुपीज। ओके, यूनाइटेड ब्रिवरीज 1938 पे आपका बाय है। चार ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे है। पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक किया था हमने शिवांगी जी के सौजन्य से, टाटा पावर का कॉल ऑप्शन। टाटा पावर को एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हैं और ट्रेड है इसकी कॉल ऑप्शन 420 की, फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1530-1540 पे ट्रेड करता हुआ। फिर हम गए राजेश पालवी जी के पास, उन्होंने ट्रेड पिक किया आज अशोक लेलैंड आज और 210-212 का टारगेट, ट्रेड करता हुआ 202.50 पे इस वक्त और 198 का स्टॉप लॉस है। आशीष बहती जी ने आज पिक किया आरईसी फ्यूचर्स करीब 530-540 के टारगेट के लिए और नरेंद्र सोलंकी जी ने आज पिक किया यूनाइटेड ब्रिवरीज और